स्वागत दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ यूपीआई लाइट वॉलेट और डिजिटल ई रुपीस वॉलेट के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों मैं इन दोनों ही वॉलेट का कंपैरिजन करने वाला हूँ। जानेंगे दोस्तों हम इन दोनों ही वॉलेट में पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं, कितने तरीके से ऐड कर सकते हैं, अगर किसी को पैसे सेंड करना हो तो कितने तरीके से हम सेंड कर सकते हैं, क्या लिमिट है, और साथ ही साथ किस एप्लीकेशन किस वॉलेट का यूजर इंटरफेस ज्यादा सरल है यूज करने के लिए, सारी डिटेल में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आइए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कि जो दोनों ही वॉलेट है उसके अंदर हम पैसे कैसे ऐड कर सकते हैं और कितने तरीके हैं पैसे को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे जो यूपीआई लाइट वॉलेट है उसे अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है जो कि यूपीआई लाइट सपोर्ट करता हो। इसके बाद में दोस्तों जब हम पैसे ऐड करेंगे तो जो पैसे ऐड होंगे हमने जो बैंक अकाउंट को लिंक किया है उसमें से ऐड होंगे, और वहाँ पे जो हमारी जो करेंसी होती है यानी कि हमारे पैसे होते हैं वो हमें डिजिटल नंबर के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 10, 20, 50, 200, 500, 1000 रुपए इस तरह से। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें डिजिटल ई रूपी वॉलेट की तो वहां पे आपको पैसे ऐड करने के लिए दो तरीके मिल जाते हैं। पहला जो तरीका है दोस्तों जब हम वॉलेट को क्रिएट करते हैं तो हमें अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है, और दूसरा जो तरीका है दोस्तों वहां पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि अगर कोई आप यूपीआई एप्लीकेशन को यूज करते हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे या फिर जियो हो गया या फिर भीम यूपीआई का यूज करते हैं तो वहां से आप दो तरीके से पैसे ऐड कर सकते हैं। और वहां की जो करेंसी है दोस्तों वो आपको एक फोटो के रूप में देखने के लिए मिलती है, जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये 2 रुपए का नोट है, ये 5 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए का नोट है। वहां पे दोस्तों आपको एक नोट टाइप देखने के लिए मिलेगा जिसके ऊपर आपको आरबीआई गवर्नर के साइन भी देखने के लिए मिलेंगे, और साथ ही साथ वहां पे आपको नोट का जो सीरियल नंबर है वो भी देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है वो है लिमिट का। सो यहाँ पे अगर आप यूपीआई लाइट वॉलेट को एक्टिवेट करते हैं तो फिलहाल के टाइम पे यहाँ पे यूपीआई लाइट वॉलेट में मैक्सिमम आप 2000 रुपए तक ऐड कर सकते हैं, यानी कि 2000 रुपए तक की लिमिट आपको मिल जाती है, उससे ज्यादा आप ऐड नहीं कर सकते हैं। मगर दोस्तों वहाँ पे जब आप डिजिटल ई रुपीस वॉलेट को क्रिएट कर लेते हैं तो फिलहाल यहाँ पे आपको कोई भी लिमिट नहीं मिलती है, आप चाहे कितने भी डिजिटल करेंसी को ऐड कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो पॉइंट है कि अगर हमें किसी को पैसे सेंड करना हो तो कैसे सेंड कर सकते हैं दोनों ही वॉलेट से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीआई लाइट वॉलेट को लेकर के। तो देखिए अगर आप यूपीआई लाइट वॉलेट का यूज करके अगर आप किसी को पैसे सेंड करना चाहते हैं तो काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आप स्कैन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के नंबर पे, या फिर यूपीआई का यूज करके, या फिर अगर आपको किसी के बैंक में ट्रांसफर करना है तो भी आप कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल ई रुपीज वॉलेट में, तो वहाँ पे आपको मर्चेंट का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है, यानी कि आप क्यूआर कोड स्कैन करके किसी मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जिसके पास में डिजिटल ई रुपीज वॉलेट है उसके पास भी क्यूआर कोड होता है जिसे भी आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको यूपीआई का और साथ ही साथ यहाँ पे जो डायरेक्ट बैंक अकाउंट का ऑप्शन होता है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। दोस्तों अगला जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जब हम यूपीआई लाइट वॉलेट का यूज करके किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं यानी कि भेजते हैं तो भेजने के लिए हमें अपने वॉलेट का जो पिन है उसे डालने की जरूरत नहीं होती है। जबकि दोस्तों दूसरी तरफ जब हम डिजिटल ई रुपीस वॉलेट का यूज करके किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं यानी कि डिजिटल करेंसी भेजते हैं तो भेजने के लिए हमें अपने वॉलेट का जो पिन है उसे एंटर करना होगा। पांचवा जो पॉइंट है वो ये है कि यूपीआई लाइट वॉलेट का यूज करके हम किसी को भी ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और ये जो फीचर है वो आपको यूपीआई लाइट वॉलेट में देखने के लिए मिल जाता है, जिसे एक्टिवेट करने के लिए आपके पास में एक महंगा स्मार्टफोन होना चाहिए। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं डिजिटल ई रुपीस वॉलेट की, तो फिलहाल ये जो फीचर है ऑफलाइन पेमेंट करने का वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, मगर आने वाले फ्यूचर में आपको जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है। ये था एक छोटा सा कंपैरिजन बिटवीन यूपीआई लाइट वॉलेट और डिजिटल ई रुपी वॉलेट को लेकर के। और अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही वॉलेट में से कौन सा वॉलेट बेस्ट है। तो देखिए दोस्तों दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है। यूपीआई लाइट वॉलेट को आए हुए काफी समय हो चुका है जिसके अंदर आपको काफी एडवांस फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। सो और वहीं दोस्तों डिजिटल ई रुपी जो वॉलेट है वो अभी पायलट प्रोग्राम पे चल रहा है, सो काफी सारे फीचर अभी आना बाकी है। और बाकी दोस्तों आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों ही वॉलेट में से आपको कौन सा वॉलेट पसंद आया है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि डिजिटल ई रुपी वॉलेट को लेकर के मैंने काफी सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो अगर आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो ये रही वीडियो, इन वीडियोस को आप देख सकते हैं।
ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके और सारी की सारी वीडियो का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दिया है। और अब दोस्तों जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो आपको आगे भी इसी चैनल पर मिलने वाली है।